अगर आप अपने घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की आरती करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, साथ ही आरती करने की सही दिशा क्या है, ये सब जानते हैं हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिस तरह से मंदिर में कई देवी देवताओं की आरती की जाती है, उसी तरह से अगर आप अपने घर में भी एक से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इसमें भी आरती करने का क्रम होता है। सबसे पहले भगवान गणेश की ही आरती करना चाहिए और अंत में श्रीहरि विष्णु की आरती करना चाहिए, यानी आरती के अंत में ओम जय जगदीश हरे जरूर गाएं। घर में पूरब दिशा की ओर मुंह करके आरती करनी चाहिए, इससे आयु बढ़ती है। घर में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से धन लाभ होता है। घर में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से दुख और दरिद्रता बढ़ती है। घर में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से नुकसान होता है। तो ये सब क्रम कर्मकांड के ऐसे हैं जिन्हें आप जानते रहें और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, क्योंकि जो ज्ञान शास्त्र सम्मत हो वही ज्ञान अमृत होगा और जो ज्ञान शास्त्र सम्मत न हो वो कभी अमृत हो नहीं सकता। इसलिए अपनी बुद्धि की कल्पना करके शास्त्र की रचना करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। देवताओं द्वारा कहे हुए, ऋषि मुनियों द्वारा कहे हुए उपाय ही ग्रहण करना श्रेष्ठता का आधार है। जय मां विंध्यवासिनी।